बीते समय से कई रेल हादसे हो चुके हैं जिन्होंने देश के लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो रेलवेज के माध्यम से यात्रा करते हैं। लोगों के मन में ये सवाल आने लगा है कि क्या रेलवे से यात्रा करने पर कोई लाइफ इंश्योरेंस मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो किसको मिलता है और कितना मिलता है। तो आपको बता दें कि अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूरी तरह से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। वहीं जो पहले से दिव्यांग यात्री हैं उसे 7.5 लाख का और घायल यात्री को इलाज के लिए 2 लाख का क्लेम मिलता है। ट्रेन दुर्घटना के 4 महीने के भीतर यात्री या फिर उसके परिजन को इंश्योरेंस के लिए क्लेम करना होता है। इंश्योरेंस की डिटेल आपको टिकट बुकिंग के फौरन बाद रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। हादसे में मारे गए यात्री के परिजन या नॉमिनी या फिर कहीं घायल हुआ यात्री इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते वक्त इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। टिकट बुकिंग के सबसे आखिर में इंश्योरेंस का ऑप्शन होता है। इस इंश्योरेंस को लेने के बाद अगर ट्रेन हादसे की शिकार होती है तो यात्रियों को इसका लाभ मिलता है। यह इंश्योरेंस सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ही मिलता है, चाहे फिर आपका टिकट कंफर्म हो, आरएसी हो या फिर पार्शियल कंफर्म क्यों ना हो, आप इस इंश्योरेंस के पात्र होंगे। जब भी आप टिकट बुकिंग करते हैं उसमें ये ऑप्शन रहता है, जिसके तहत मात्र 45 पैसे अतिरिक्त चुकाकर आप ट्रेन सफर के दौरान खुद को इंश्योर कर सकते हैं। पहले ये 35 पैसे था जिसमें हाल ही में इजाफा किया गया है 10 पैसे का। लेकिन आपको बता दें कि रेल यात्रा करते समय रिजर्वेशन काउंटर या सीधे खिड़की से लिया गया टिकट आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता है। अगर आपने ऑनलाइन करा है तभी आप इस इंश्योरेंस के पात्र हैं, यानी उस पर आपको किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ ये हादसा हो गया और उसने रेलवे का इंश्योरेंस भी लिया हो तो वो उसे कैसे क्लेम कर सकता है। तो वो भी आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के थोड़ी देर बाद आपको IRCTC की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी के संबंधित एक लिंक मिलता है जिसमें आप अपने नॉमिनी की डिटेल भर सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रेलवे टिकट और कंपनी की ओर से तय आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होती है। साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे रेल अथॉरिटी की तरफ से एक्सीडेंट की पुष्टि का प्रमाण, एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी और कानूनी वारिस के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, दिव्यांग यात्री की हादसे से पहले और हादसे के बाद की एक खींची हुई फ़ोटो, अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े दस्तावेज सबमिट करने होते हैं, डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट जो कि बहुत अहम होती है, रेल एक्सीडेंट में मृत यात्री की डिटेल वाली एक्सीडेंटल रिपोर्ट, और तो और NEFT डिटेल और कैंसिल चेक को भी आवेदन कार्यालय में जमा कराना होता है। आपको बता दें कि आप रेलवे से ये बीमा क्लेम मात्र 4 महीने के अंदर ही ले सकते हैं, उसके बाद अगर ये जानकारी दी तो आपको नहीं मिलेगा कोई क्लेम। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।